नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। आज की जो वीडियो है दोस्तों, वो आपके घर घर के लक्ष्मी बढ़ाने के लिए, धन बढ़ाने के लिए है। माता लक्ष्मी सदैव आपके ऊपर प्रसन्न रहे, ये उसके लिए मैं वीडियो बनाने के लिए जा रही हूँ। जो जानकारी आपको देने वाली, यदि आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जितना ज्यादा हो सके दोस्तों शेयर कर दें। जानकारी दूं उसके पहले आप सभी को सावधान कर दूं कि कमेंट बॉक्स में मैं कभी भी अपना नंबर नहीं देती हूं। जो फ्रॉड लोग हैं मेरा चेहरा यूज करते हैं और बाजू में अपना नंबर डाल देते हैं। आप देखिए उनके कमेंट पे लिखा होगा आप संपर्क करें, इसके बारे में आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर संपर्क करें, और भी अलग अलग तरीके से कमेंट लिखते रहते हैं। प्लीज झांसे में ना आए, कई लोग लुट चुके हैं। आप अपने आप को बचा करके रखें, हमेशा सावधान रहें, ऐसे लोगों से सतर्क रहें, नहीं तो ये कभी भी किसी को भी लूट लेते हैं। कई एक नई नकली बिना भदौरिया बैठी है जो बात करती है। हमारे यहाँ यदि आपका कॉल उठाया जाएगा तो सबसे पहले एक ही पहचान है कि हमारे यहाँ पैसे मांगे नहीं जाते। हमारे सिवाय जो भी व्यक्ति अभी पैसा मांगता है, समझ जाइए ये फ्रॉड है, ठीक है। चलिए बात करते हैं आज के उपाय की। दोस्तों ये उपाय है घर में धन कैसे बढ़ाया जाए। गरीबी बहुत बड़ा श्राप है, इसके लिए मैं ज्यादातर वीडियो धन को कैसे इंक्रीज किया जाए, बढ़ाया जाए, उसकी वीडियो हमेशा अपलोड करती रहती हूँ। ये जो उपाय बता रही हूँ ये भी बहुत बढ़िया है, बहुत आसान है। यदि इस उपाय को आप करते हैं, हमेशा आपके घर में धन बना रहेगा। जायफल, मैंने पहले भी एक वीडियो जायफल पर अपलोड की थी, काफी लोगों ने क्वेश्चन किया था कि जायफल होता कैसा है, शायद जायफल के लिए कोई और भी वर्ड हो। ये जायफल सुपारी जैसा होता है, सुपारी, और बहुत खुशबूदार होता है। जायफल को पीस करके उसके दो तीन बूंद भी, जो बिल्कुल छोटे शिशु होते हैं, छोटे से बच्चे, उनको कितनी भी ज्यादा सर्दी हो, खांसी हो, जायफल पीस करके, और यदि आप उसको दो चार बूंदे भी सोते समय पिलाने लग जाए तो सर्दी खांसी सब बिल्कुल गायब हो जाती है। दूध गर्म करके यदि उसमें जायफल डाला जाए, जायफल का पाउडर, और उसको पिया जाए पहले, तो उसको खुशबू बहुत सुंदर आती है। खीर में भी इसको डाला जाता है। दूसरा, इससे आपके बॉडी के अंदर जो शुक्र को मजबूत बनाने वाले जो तत्व हैं वो मजबूत बनते हैं, मतलब कि आपके शुक्र मजबूत बनते हैं। जिस व्यक्ति का शुक्र मजबूत होगा, धन ऐश्वर्य सौंदर्य उसके पीछे पीछे चलता है। तो जायफल आपके शुक्र को मजबूत बनाता है। जायफल का सेवन करने से शरीर की ठंडक दूर होती है। जायफल दोस्तों जेब में अगर आप रखते हैं हमेशा, तो याद रखें कभी भी आपके घर का धन खत्म नहीं होगा। जो चाहते हैं कि हमेशा माता लक्ष्मी प्रसन्न रहे, तो हमेशा जब आप खीर बनाएं, शुक्रवार के दिन स्पेशली, शुक्रवार के दिन, पूनम के दिन, तेरस के दिन खीर बनाएं, तो उसमें जायफल जरूर डालें, उसका पाउडर डालें, और वो खीर का भोग आप माता लक्ष्मी को लगाएं, और उसके बाद पूरा परिवार उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। धन की कैसी भी अछत होगी पटाख से दूर होगी। यदि आप अपने धन स्थान में जायफल को कुमकुम और हल्दी लगा करके रख देते हैं माता लक्ष्मी के नाम से, तो हमेशा ये चीज आपके घर में धन को खींचती रहती है। जायफल दोस्तों बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट करता है। तो जायफल आप जैसे शुक्रवार का दिन हो उस दिन कर सकते हैं ये उपाय, बुधवार के दिन कर सकते हैं, या फिर जो भी आपका लकी डे हो, जो डे आपका लकी हो उस दिन आप इस उपाय को करें। बराबर, आप दो जायफल ले लें, लेकर के उसको एक पान के पत्ते पर, पत्ते के ऊपर रखें और उसकी पूजा करें, उस पर अक्षत चढ़ाएं, हल्दी, कुमकुम, ये तमाम चीजें चढ़ाएं, और उसके सामने बैठकर तुलसी की माला या स्फटिक की माला या फिर कमल गट्टे की माला से एक माला आपको जाप करना है, ओम श्रीम श्रीये नमः, इस मंत्र का आप जाप करें एक माला। घी के दिए से
दोनों ही जायफल की आप आरती उतार लें बराबर, और उसके बाद में आप प्रार्थना करें जायफल से कि मेरे घर में हमेशा धन धान्य भरा रहे, और दोनों ही जायफल को आप उठाएं और जहां भी हरा भरा पेड़ हो, खूब हरा भरा हो, हाँ वो पेड़ नीम का नहीं होना चाहिए, बबूल नहीं होना चाहिए, कोई भी पेड़ जिसमें कड़वाहट है या कोई नेगेटिव एनर्जी है या फिर जहां पर कोई नेगेटिव शक्तियों का वास हो वैसा नहीं होना चाहिए पेड़ होना चाहिए, जैसे पीपल है, बरगद है, बेलपत्र, आंवला, शमी, इस टाइप का कोई भी पेड़ है उसके नीचे, शमी में तो वैसे कम ही होता है हरा भरा, पीपल और बरगद आंवला ये बहुत ज्यादा हरे भरे लगते हैं, तो आप इन्हीं को पसंद करें। उस पेड़ के नीचे आप पान के पत्ते के साथ ही दोनों जायफल को लेकर के जाएं और अपने हाथ की जो साइज है उसका एक गड्ढा खोदे, धीरे 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 खोद ले और दोनों ही जायफल को उसके नीचे मतलब उस गड्ढे में रख करके उसमें मिट्टी दबा दे बराबर। मिट्टी दबाने के बाद दो अगरबत्ती आप वहां पर लगा दें और थोड़ा सा ठंडा पानी उस पर चढ़ा दें बस। हाँ। गाढ़े ऐसी जगह जहां किसी का पैर ना पड़े, बिल्कुल वृक्ष के वृक्ष को टच करवा करके लगाएं ताकि किसी के पैर के नीचे चीज ना आए। इन केस एक हाथ लंबा गड्ढा ना खोद पाए तो आप अपने पंजे की साइज का गड्ढा भी खोद सकते हैं और आप अपने घर में लौट आए। दोस्तों हमेशा के लिए आपके घर में धन का वास बना रहेगा, माता लक्ष्मी का वास हमेशा आपके घर में रहेगा। इस क्रिया को आप साल में एक बार या दो बार आराम से करें, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आएगा, बार बार करने की कोई जरूरत नहीं है। आप एक बार करेंगे आपको पॉजिटिव रिजल्ट दिखाई देने लग जाएंगे और उसके बाद आप साल में जैसे इस बार किया है अगले साल फिर से एक बार कर दें, कोई भी अच्छा दिन हो, कोई अच्छा वार त्यौहार हो तो उस दिन भी आप कर सकते हैं, पूनम है पूनम के दिन आप कर सकते हैं, अमावस्या वाले दिन भी कर सकते हैं, कोई भी अच्छा दिन है आप उस दिन करें, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आएगा। करके देखिए क्या अनुभव होते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताएं। कोई ऐसी बात है जो समझ में ना आ रही हो तो उसे भी कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर पूछें। उपाय को करते रहें और हमेशा खुश रहें। जय श्री कृष्ण।